हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी गुरु। मेरा नाम है करण साड़वे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोडिनेटर इंस्टॉल कैसे करते हैं और क्रूड ऑपरेशन में से सी सी स्टैंड फॉर क्रिएट यानी इंसर्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोडिनेटर का सेटअप कोडिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाली है कोडिनेटर ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो कोडिनेटर सेटअप आपको 3 वर्जन से मिलेगा। कोडिनेटर 4 इज अपकमिंग है और कोडिनेटर 3 इज करंट वर्जन है। तो कोडिनेटर सेटअप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पॉप आएगा और ओके क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने कोडिनेटर का पहले ही सेटअप डाउनलोड कर स्टूडॉक्स फोल्डर में पेस्ट कर लिया है, तो मैं ये डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये रहा फोल्डर, अभी से हम रिनेम कर लेते हैं। मैं इसे क्रूड नाम दे देता हूँ। तो अब हम कोडिग्नेटर इंस्टॉलेशन शुरू कर लेते हैं। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग ऑटो लोड। यहाँ पे डेटाबेस सेशन लोड कर लेते हैं। इसके बाद हेल्पर में जो URL और फॉर्म है वो लोड कर लेते हैं। अब जाएंगे कॉन्फिग में। कॉन्फिग में हमारा जो बेस URL है यहाँ पे http:// लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम क्रूड, सेव। अब हम डेटाबेस में हम चेंज करेंगे, यूजर नेम है रूट, पासवर्ड MD, डेटाबेस नेम है क्रूड, सेव। अब हम रन कर कर देते हैं, हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है या नहीं। तो रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे लोकल होस्ट, फोल्डर नेम क्रूड। ओके, मतलब वेलकम पेज शो हो रहा है यानी हमारा कोडिंगनेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर आपने कोडिंगनेटर इंस्टॉलेशन का मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये इंस्टॉलेशन समझ गए होंगे। अगर आपने मेरा कोडिंगनेटर इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और बाद में यह वीडियो देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में कोडिंगनेटर इंस्टॉलेशन की लिंक दे दी है। तो चलिए अब हम पहले अपने फोल्डर में जाते हैं और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं असेट्स, जिसमें हम बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी की फाइल पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर लिया है। ये फाइल्स हमें बूटस्ट्रैप के लिए चाहिए। आप बूटस्ट्रैप की ऑनलाइन सीडीएन भी यूज कर सकते हैं जो आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इंसर्ट ऑपरेशन के लिए जो डिजाइन लगने वाली है वो कर लेते हैं। तो डिजाइन के लिए हम पहले एक नया व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे व्यूज में,
न्यू फाइल सेव एज व्यूज एड अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी पीएचपी यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप की लिंक लिंकिंग कर लेते हैं, तो लिंक पीएचपी इको बेस अंडरस्कोर यूआरएल, बेस यूआरएल यानी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में जो बेस यूआरएल सेट किया है यानी लोकल होस्ट स्लैश क्रूड स्लैश और उसके बाद ये, तो यहाँ पे ये बेस यूआरएल हमने सेट किया है। अब एसेट्स का बूटस्ट्रैप का जो हमारे पाथ है वो एसेट्स स्लैश सीएसएस बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लिंकिंग हो गई है। अब हम बूटस्ट्रैप के डिजाइन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एड फ्रूट के लिए फॉर्म डिजाइन करना है जो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये है बूटस्ट्रैप की फॉर्म की डिजाइन। यहाँ पे मैंने मेथड पोस्ट ली है और एक्शन में पीएचपी को बेस यूआरएल यानी एचटीटीपी लोकल होस्ट स्लैश क्रूड स्लैश के बाद ये सेव राउट है जो अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की है। यहाँ पे लेबल डिफाइन किया है फ्रूट का और यहाँ पे फ्रूट नेम दिया हुआ है, सेकंड लेबल है प्राइस के लिए और यहाँ पे नेम भी प्राइस दिया गया है और सबमिट सेव का एक बटन है, सेव पे क्लिक करने के बाद ये सेव के राउट्स पे जाएगी। तो सेव, तो अब हम एक कंट्रोलर नया कंट्रोलर बना लेते हैं। न्यू सेव ऑपरेशंस, कंट्रोलर कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसका, ऑपरेशन डॉट पीएचपी और ये कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट यहाँ पे चेंजेस वेलकम की जगह ऑपरेशंस
कैसी है। और एक नया फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, एड अंडरस्कोर पेज, और यहाँ पे हमारे व्यू का नाम क्या है, एड अंडरस्कोर पेज। सेव। अब हम जाते हैं राउट्स में, तो यहाँ पे एक नया राउट ले लेते हैं, रूट एड अंडरस्कोर पेज, और यहाँ पे कॉल ऑपरेशंस स्लैश एड अंडरस्कोर पेज। तो हमने यहाँ क्या किया है कि यूआरएल में जब भी हम एड अंडरस्कोर पेज डालेंगे तो ये कॉल जाएगा ऑपरेशंस कंट्रोलर में स्लैश अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर पेज को यहाँ पे। तो ऑपरेशंस में हमने एड अंडरस्कोर पेज में क्या किया है, तो व्यू लोड किया है कौन सा, एड अंडरस्कोर पेज का। तो ये व्यू में जाएगा और ये डिज़ाइन हमें शो करेगा। तो अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। सबसे पहले फंक्शन कंस्ट्रक्ट, पेरेंट कंस्ट्रक्ट $30, लोड मॉडल तो हमने यहाँ क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है जिसमें हमने यूजर मॉडल यानी जहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी करने वाले हैं उसे लोड कर लिया है, और यहाँ पे डेटाबेस लोड कर लिया है। जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा तो पहले ये दोनों चीजें लोड हो जाएगी। ये यूजर मॉडल हमने अभी तक क्रिएट किया नहीं है, तो ये भी क्रिएट कर लेते हैं हम। तो न्यू सेव यूजर मॉडल .php, एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम मॉडल यूज कर ले रहे, तो यहाँ पे एक्सटेंड मॉडल आएगा, क्लास यूजर मॉडल एक्सटेंड, और यहाँ पे यूजर मॉडल ओके। तो हमारे यूजर मॉडल भी हो गए। तो अब हम हमारी डिज़ाइन कैसी है वो रन कर कर देखते हैं। लेकिन रन करने के लिए हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी और बाद में एड अंडरस्कोर पेज डालना होगा, क्योंकि अभी तक हमने हमारी एस टी एक्सेस फाइल क्रिएट नहीं की है। तो ये हमारी डिज़ाइन ऐसी लग रही है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इस डॉट एस टी एक्सेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम हमारे इंसर्ट क्वेरी कर लेते हैं। तो अब हम इंसर्ट क्वेरी के लिए कोडिंग करते हैं। जब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो एक्शन है वो कॉल वहाँ पे जाएगा। तो हमने ऐड पेज में यहाँ पे जो कॉल सेव करने के बाद सेव को दिया है, तो हम राउट्स में जाएंगे, यहाँ पे नया राउट डिफाइन करेंगे, राउट सेव। जब जाएगा तब ऑपरेशंस कंट्रोलर में एक नया फंक्शन सेव अंडरस्कोर पेज क्रिएट करेंगे, वहाँ पे वो कॉल जाएगा। अब हम जाएंगे कंट्रोलर ऑपरेशंस में और यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन सेव सेव अंडरस्कोर पेज। तो हम सेव अंडरस्कोर पेज में क्या करेंगे, जो यूज में से पास कर रहे हैं फ्रूट और प्राइस वो कंट्रोलर में गेट करेंगे। तो डेटा
एरे, डेटा एरे। डॉलर डॉलर दिस इनपुट पोस्ट फ्रूट सेकंड है राइट डॉलर दिस इनपुट पोस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी सेव बटन पे क्लिक करने के बाद व्यूज हमें इनपुट दे रहा है वो पोस्ट के थ्रू दे रहा है, वो एरे में ले लिया है, डेटा एरे में फ्रूट्स एंड प्राइस। अब वो एरे हम यूजर मॉडल को पास करेंगे इंसर्ट क्वेरी के लिए। इंसर्ट आईडी डॉलर दिस यूजर मॉडल सेव डेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो डॉलर डेटा एरे है वो यूजर मॉडल में सेव फंक्शन को पास किया है। अब हम जाएंगे यूजर मॉडल में और फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन सेव डॉलर डेटा एरे डॉलर दिस बीबी इंसर्ट फ्रूट्स डेटा रिटर्न रिटर्न डॉलर दिस डेबी इंसर्ट आईडी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी कंट्रोलर डॉलर डेटा एरे पास कर रहा है वो इंसर्ट यानी इंसर्ट क्वेरी फ्रूट्स टेबल में डॉलर डेटा इंसर्ट किया है और रिटर्न कॉल कंट्रोलर को दिया है। अगेन ऑपरेशंस में जाएंगे, जब कॉल यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे ऐड पेज को ही, क्योंकि अभी तक हमने होम पेज क्रिएट नहीं किया है। और अब हम एक डॉट एच टी एस फाइल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार इंडेक्स डॉट पेज भी ये डालना नहीं है। तो हम जाएंगे हमारे फोल्डर में, जहाँ पे एप्लीकेशंस में पहले एक एच टी एस फाइल क्रिएट होती है, वो कॉपी करके हम मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे, और ये फाइल को चेंज करेंगे। तो ये रहे रूल, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम रन कर देखते हैं कि ये बिना इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल के रन होती है या नहीं। ओके, ये तो अभी भी रन हो रही है। और एक जगह इंडेक्स डॉट पी एच पी होता है, वो भी हमें रिमूव करना होगा कॉन्फिग में। ये यहाँ से भी हमें ये पार्ट रिमूव करना होगा और सेव करना होगा। अब हम पहले डेटाबेस देख लेते हैं। तो अभी तक टेबल में कुछ नहीं है, अब हम इंसर्ट कर देखते हैं कि हमारी इंसर्ट क्वेरी रन हो रही है या नहीं। मैंगो सेव करता हूँ, तो अगेन एड पेज को रिडायरेक्ट हो गया। अब हम टेबल में देखते हैं। ओके, ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं। तो क्रोड ऑपरेशन में से हमारा क्रिएट यानी इंसर्ट ऑपरेशन इन कोऑर्डिनेटर सक्सेसफुली रन हो गया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा या कोई एरर आ रही है तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीड यानी सेलेक्ट ऑपरेशन इन कोडिंग में तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।